सबसे पहले आप सभी को गणपति बप्पा मोरिया गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हैप्पी राय, आप सभी को नमस्कार। और ये हमारे गणपति बप्पा जो पूरे महाराष्ट्र के राजा है, आज के डेट में तो मतलब पूरे महाराष्ट्र में इनकी ही पूजा की जाती है। तो हमारी दीदी हैं कविता दीदी, जो सॉरी कल्पना दीदी, और कल्पना दीदी हमेशा से ही गणपति जी रखती आ रही हैं, और इनका मतलब छोटी थी तब से रख रही हैं, और आज मैं इनके आने का मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ये जगराता भी कराती हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मॉडर्न होकर के भी गुजरात से हैं, लेकिन मुंबई में एकदम बिल्कुल गुजराती छाप छोड़ देती हैं, और क्या बात है। तो एक लाइन गणेश जी के लिए मैं सुनाना चाहूंगी। विघ्न विनाशक तुझे पुकारू, कब से तेरी राह निहारू। विघ्न विनाशक तुझे पुकारू, कब से तेरी राह निहारू। बप्पा अब तो आ जाओ, दर्शन को अखियां तरस रही, अब आके झलक दिखा जाओ। और जैसे कि मानना है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले कोई भी पूजा या शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है, तो उसमें हमने एक लाइन जोड़ा हुआ था, प्रथम हे बाबा मेरे करूं तेरी पूजा, प्रथम हे बाबा मेरे करूं तेरी पूजा, तेरे जैसा मंगल मूर्ति जग में न दूजा। मेवा मोदक भोग लगाया, लड्डूओं का है भोग लगाया, आकर भोग लगा जाओ, दर्शन को अखियां तरस गई, अब आकर झलक दिखा जाओ। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गाना हाँ, अभी मैं तो जी जी गणपति जी का गाना अभी मेरा आने वाला है, मतलब लेट हो गया, रिलीज नहीं हो पाया। अभी अभी सावन में मैंने शिवलिंगाष्टकम गाया हुआ है, जो हैप्पी राय के चैनल पे है, मेरे चैनल पे, तो यूट्यूब पे हैप्पी राय शिवलिंगाष्टकम कोई भी डालेगा तो आ जाएगा। उसके बाद मैंने शिव तांडव भी गाया हुआ है, तो काफ़ी गाने गाती रहती हूँ मैं भी, भजन गाती रहती हूँ, बाकी चीज़ें तो चलती रहती है, बगैर भगवान के कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं बताती हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, थोड़ी बहुत पता नहीं पूरी जानकारी है कि नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि महाराष्ट्र में इसलिए मनाते हैं कि गणेश जी इस जो ये दिन पे महाराष्ट्र में पूजा होता है वो घूमने आए हुए थे, उसी के शायद खुशी में ही मनाया जाता है, कि गणेश जी का पूजा तो पूरे भारत में होता है बट स्पेशल महाराष्ट्र में, जैसे कि बंगाल में दुर्गा माता का पूजा होता है 9 दिन का, बंगाल से ही लोग पंडाल रखना स्टार्ट किए हैं, पूरे भारत में सबसे पहले बंगाल में ही पंडाल रखा जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश जी का स्पेशल पूजा होता है, जो कि सिद्धि विनायक है हमारे यहाँ पे। तो सिद्धि विनायक जैसे सब गणेश जी का अलग मुंह होता है, तो हमारे सिद्धि विनायक का बिल्कुल उसके ठीक विपरीत दिशा में मुंह है, तो बहुत यहाँ का थोड़ा स्पेशल भगवान है, मतलब गणपति बप्पा महाराष्ट्र के सबसे स्पेशल भगवान है, तो इसलिए कुछ आने वाला है आने वाला है हमारा, अभी हम बारिश की बूंदे हमारा एक गाना आ रहा है, और बहुत सारे गाने हैं, कभी फुर्सत में बताएंगे, लेकिन आज भगवान का दिन है तो भगवान का ही दिन रहे तो अच्छा है। थैंक यू सो मच।